नमस्कारम। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आज हमारा प्रयास रहेगा कि कुंडलिनी जागरण के विषय में, चक्रों के विषय में, ऊर्जा के विषय में जो अनेक भ्रांतियां होती हैं उनको भी आप समझ सकें और आप सही मार्ग का भी अपने लिए चुनाव कर सकें। इसके लिए आप समझ लें कि योगिक अवधारणा है कि सर्वानि हवा इमानि भूतानि प्राणमेवा विसंविशन्ति प्राणमभ्युज्जीहते, कि जो भी कुछ आपको सृष्टि में दिखाई देता है उस सभी का सृजन जो है वो प्राण से हुआ है। व्यक्ति की जो ऊर्जा है मूल, वो भी प्राण रूपी ऊर्जा ही है और इस प्राण रूपी ऊर्जा में ही सब कुछ अंततो गत्वा सिमट जाता है। तो सृजन भी यहीं से है और अंत भी इस ऊर्जा के आधार पर ही कहा गया है। तो आप समझ लें, जब एक योगी अपनी चेतना का विकास करता है तो वो इस प्राण रूपी ऊर्जा को, जो हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों में लगी रहती है, जो हमारे इंद्रियों के माध्यम से निरंतर बाहर की तरफ जाती रहती है, व्यय होती रहती है, इसको वो संग्रहित कर लेता है और फिर योगिक विधियों के माध्यम से इसको सही दिशा देता है। यही चेतना के विकास का मूल आधार होता है। लेकिन आप समझ लें, जिस प्रकार से एक बड़ा जल का प्रवाह है, कोई नदी है, उसमें बड़ा वेग है जल का, अगर उस वेग को कम करना है तो उसे नहरों में, रजवायों में बांट दिया जाता है, जल का वेग प्रवाह कम हो जाता है। अगर उसको फिर से बढ़ाना है तो हर जगह से जहां पर पानी जा रहा है उसको रोकना होगा। इसी प्रकार से आप समझ लें, आपकी इंद्रियां, आंखें बाहर की तरफ देखती हैं, बाहर के विषयों से जुड़ती हैं, त्वचा के माध्यम से आप स्पर्श आदि अनुभव करते हैं, जननेन्द्रिय के माध्यम से ब्रह्मचर्य नाश करके व्यक्ति अपनी ऊर्जा का क्षय करता है, जिह्वा के माध्यम से गलत आहार ग्रहण करके शारीरिक ऊर्जा को वो केवल पाचन पर ही केंद्रित कर देता है। इस प्रकार से आप अपनी इंद्रियों के माध्यम से इस ऊर्जा का क्षय करते हैं। हर एक व्यक्ति की कोई ना कोई एक इंद्रिय होती है जो प्रबल होती है और जो उसे सबसे ज्यादा भटकाती है। आपने देखा भी होगा, कुछ व्यक्ति बड़े कामी होते हैं, भोग विलास में निरंतर लगे रहते हैं, परस्त्री को देखते ही उनके मन में गलत भाव आने शुरू हो जाते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो क्रोध बड़ा करते हैं, वो गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको खाने का ही बस शौक है, बस वो निरंतर खाते ही रहते हैं, शरीर की तरफ वो देखते नहीं है। तो ऐसी स्थितियों में समझे, जो ये ऊर्जा है ये निरंतर व्यय हो रही है, यानी कि अभी जो आपकी चेतना है वो निम्न स्तरों पर है। अगर इस चेतना को ऊपर उठाना है तो ऊर्ध्वगमन की जो एक प्रणाली है, या ऊर्ध्वगमन से आप क्या समझ सकते हैं, तो आप समझें, सबसे पहले आपको मानसिक तल पर परिपक्व होना होगा। जो ऊर्जा आपकी इंद्रियों के माध्यम से निरंतर व्यय हो रही है उसको ऊपर की तरफ उठाना होगा। कैसे उठती है? जो व्यक्ति मूलाधार चक्र पर केंद्रित है और जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य नाश कर रहा है, समझो उसकी ऊर्जा अभी सबसे नीचे तल पर है। इसको नीचे से ऊपर उठाना है। इसको ऊपर उठाते हैं थोड़ा तो ये आ जाती है हमारे पाचन की तरफ, हमारे पेट की तरफ। तो जो उदर पूर्ति की निरंतर इच्छा है कि बस भूख मिट जाए, हमें भोजन मिल जाए, इतना ही व्यक्ति सोचता है, तो पशुवृत्ति ही है। इससे चेतना को अगर व्यक्ति और ऊपर उठाता है तो वो भावनात्मक तल पे जाता है। भावनात्मक तल पे वो बहुत सारी चीजें, अच्छी बुरी अनुभव करता है और वो बहुत समय भी अपना नष्ट करता है। हमारे नवयुवक भी बड़ा समय नष्ट करते हैं इन चीजों में। तो इससे ऊपर उठते हुए इसको शुद्ध करके वो जब शब्दों के ऊपर और वाणी को ठीक करता हुआ ऊपर की तरफ जा करके अपनी आत्मनिवास भ्रकुटी के स्तर पर जाता है, तो यहां पर जब वो केंद्रित हो जाता है, यानी कि उच्चतम तलों पर जब उसकी ऊर्जा पहुंच जाती है, चेतना पहुंच जाती है, तब वो इस योग्य हो जाता है कि वो योगिक अभ्यास करे। आप समझें, जो हमने आपको ये कहा है, ये नहीं है कि इससे ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन हो गया है, लेकिन ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन के लिए किए जाने वाले अभ्यासों के लिए जो तैयारी है वो पहले मानसिक स्तर पर होती है। क्योंकि आप समझें, आपके शारीरिक तल पर हमने कहा कि इंद्रियों के माध्यम से ऊर्जा व्यय हो रही है, साथ ही साथ मन जो निरंतर सोच रहा है, गलत विचार चल रहे हैं, वो भी ऊर्जा को नष्ट करते हैं। आप देखें, आपने बैठे हैं आप सहज, आपके मन में कोई क्रोध का, आवेश का भाव आ जाता है, तो आपको लगता है, थोड़ी देर आप क्रोध में रहते हैं तो आपको लगता है जैसे ऊर्जा क्षय हो गई है, जैसे बड़ा ही आपको गिरा गिरा सा अनुभव हो रहा है। आपने कोई शारीरिक क्रिया प्रक्रिया तो नहीं करी, फिर ऐसा अनुभव क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने मानसिक तल पर ऊर्जा का बड़ा ही नाश किया है, नष्ट किया है ऊर्जा को। काम के विचार आ जाते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, शरीर में बदलाव होते हैं तो काम से भी ऊर्जा का नाश होता है और आपको ऐसा अनुभव होगा कि शरीर बिल्कुल गिरा गिरा सा, बेजान सा अनुभव हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मानसिक तल पर ऊर्जा का क्षय हो रहा है। तो हमें दोनों तलों पर ऊर्जा को बचाना है, इंद्रियों को अंतर्मुखी
करना यानी कि प्रत्याहार की स्थिति, और अपने मन को नियंत्रण करना यानी कि उस पर एक निग्रह का जब स्थिति आ जाती है तो वो ध्यान की धारणा की स्थिति, यानी कि किसी एक विषय में ही हम केंद्रित हैं। जब हमारी इंद्रियां बाहर से विषयों को नहीं ले रही हैं और मन किसी एक विषय पर केंद्रित है तो समझे आपके अब इस स्थिति में हम जो भी अभ्यास करेंगे वो अभ्यास बड़ी ही तेज गति से हमें लाभ देने वाला होगा। हम अनेक अभ्यास बताते हैं और हमने ये अनुभव किया है कि व्यक्ति पूरी एकाग्रता से पूरी ठीक तरीके से उन अभ्यासों को करता भी है लेकिन लाभ क्यों नहीं हो पाते हैं, वर्षों वर्षों तक अभ्यास के बाद भी क्यों जीवन में परिवर्तन नहीं दिखाई देते हैं, क्यों मन शांत नहीं होता, क्यों विचार नहीं ठहरते, क्यों जीवन में इस दिशा में प्रगति नहीं होती। कारण यही है कि पूर्ववत पहले की तैयारी जो है वो ठीक नहीं है। अगर सीधा व्यक्ति ध्यान कर सकता, सीधा व्यक्ति चक्रों को जागृत कर सकता, सीधा व्यक्ति कुंडलिनी का जागरण कर लेता तो यम नियम अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह शोध संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान आदि जो अंग हैं योग के उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर महर्षि ने इन सभी अंगों को कहा है और इनको अनिवार्य बताया है तो आप समझ लें आपको अगर योगिक मार्ग में प्रगति चाहिए वो किसी भी तल पर हो, शरीर के तल पर, मन के तल पर, आध्यात्मिक तल पर, ऊर्जाओं के आधार पर, वो तब होगी जब पूर्ववत स्थितियां ठीक होंगी। और पूर्ववत अनिवार्य जो शर्त है एक योग अभ्यास की वो है कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना, इंद्रियों को सात्विक विषयों में ही निरंतर लगाए रखना, ना गलत आहार हो सके, ना गलत चिंतन हो सके, ना गलत शब्द हो सके, ना गलत व्यवहार हो सके, कोई भी ऐसा कार्य ना हो सके जो कि आपकी ऊर्जा को नष्ट करता हो। आपको सीधे तरीके से जीवन जीना, सात्विक वृत्ति से जीवन जीना, ईश्वर पर विश्वास रखना, और पूर्ण सात्विक भाव से जब आप अभ्यास करते हैं तब आपको विशेष लाभ अनुभव होंगे। और इस स्थिति में पहुंचने के बाद अब हम उस विधि को समझते हैं जो आप अभ्यास करेंगे। अब तो इसके लिए आपको पद्मासन, सिद्धासन, अर्ध पद्मासन, स्वस्तिकासन आदि में बैठ जाना है और अपने हाथों को इस प्रकार से अपने घुटनों के ऊपर रख लेना है। यहां पर आपको आंखों को बंद करना है और धीरे धीरे गर्दन को ऊपर उठाना शुरू करना है। आपको बिल्कुल गर्दन को ऊपर भी नहीं ले जाना है, आपको लगभग मध्य में ले जाकर के इस स्थिति में रोकना है। आप जब गर्दन को ऊपर उठा रहे हैं उस अवस्था में आपकी आंखें खुलनी शुरू होंगी और इस अवस्था में जाने के बाद आंखें आपकी पूर्ण खुली हुई होंगी। आप सांस भरते हुए अंदर जा रहे हैं और जब सांस आपने अंदर पूरा भर लिया तो उसको अंदर ही रोक देना है। गर्दन आपकी इस स्थिति में रुकी हुई है, सांस पूरा अंदर है, अंदर भर के रोका हुआ है, और अब आपको भ्रूमध्य में अपनी दोनों आईब्रोज के मध्य में अपनी दृष्टि को लेकर के जाना है। खुली आंखों से ही आपको भ्रूमध्य में अपनी पूरी एकाग्रता लेकर के आनी है। इस अवस्था में कब तक रुकना है, जब तक आपने जो सांस अंदर लिया है और अंदर रोका है, जब तक आप उस सांस को रोक के रख सकते हैं तब तक इस अवस्था में रुकना है। जब असहज लगने लगे तब आपको धीरे से गर्दन को नीचे करना शुरू करना है और नीचे लाते हुए आंखों को बंद कर लेना है। इस अवस्था में रुकना है, आंखें बंद ही रखनी है, फिर गहरे लंबे सांस लेकर के कुछ फिर से इसी प्रकार से इस क्रम को दोहराना है। एक बार देख लेते हैं कि विधि किस प्रकार से रहेगी। हथेलियों को अपने घुटनों के ऊपर आपने रखा, आंखें बंद की, सांस भरना शुरू किया, गर्दन को ऊपर उठाना शुरू किया और धीरे धीरे आंखों को खोला और भ्रूमध्य में अपनी दोनों आंखों को टिका दिया। जब सहज लगा तो धीरे धीरे गर्दन को नीचे किया, आंखें बंद कर ली, सांस को बाहर छोड़ दिया, गहरे लंबे कुछ सांस लिए और फिर से सांस को भरना शुरू किया, आंखें खोलनी शुरू की और ऊपर उठाते हुए फिर से दोनों आईब्रोज के मध्य में अपनी दृष्टि को केंद्रित किया, सांस अंदर और अंदर ही रोका। इस अवस्था में आपको फिर से रुकना है। आपको अपेक्षा है ठीक से समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो पुनः एक बार शुरू से देख करके समझ लें। जो सांस आपने अंदर रोका हुआ है इस अवधि को आपको बढ़ाते जाना है। जितना आपका अंतः कुंभक इसमें लंबा होता जाएगा उतना ही आपका मन शांत होगा, ठहराव आएगा और आपकी चेतना का विकास होगा। आप बाहरी विषयों से कटेंगे, एकाग्रता बढ़ेगी, ब्रह्मचर्य पालन में सहायता होगी, यम नियम का आप पालन कर सकेंगे। बड़ा ही सुंदर अभ्यास है, ठीक से समझ के इसको जरूर करें और इसका अभ्यास आप अपने योग क्रम से
से बाद में कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा अवस्था है जिसमें कि बड़ी शांति अनुभव होगी, हल्कापन अनुभव होगा। इसके बाद कोई आसन नहीं करना है, आसन के बाद ही हमेशा इस अभ्यास को करना है। अवधि कितनी रहे, लगभग 10 मिनट की अवधि आपको इस अभ्यास की रखनी है। शुरुआत में आप 4 मिनट 5 मिनट से शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे बढ़ाते हुए 10 मिनट तक इसकी अवधि आप रख सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी समस्या है कि वो सांस को अंदर रोकने में असहज लगता है उसे, या फिर किसी को माइग्रेन की स्थिति है, कोई और ऐसा ट्यूमर है या कोई ऐसी स्थिति है, तो आप इसे ना करें। मिर्गी का दौरा पड़ता है तो ना करें, अन्यथा अभ्यास करना बिल्कुल सुरक्षित है, बेहतर है, आपको हर प्रकार से ये लाभ देगा। तो ये एक विशेष अभ्यास है, एक उच्च अभ्यास है, इसको ठीक प्रकार से समझ लें। कोई प्रश्न हो तो आप योगी वरुणानंद ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और वहाँ पर आप हठ योग कोर्स में जुड़ करके अपने प्रश्न रख सकते हैं, या फिर आप विचार विमर्श आदि किसी अन्य ग्रुप में जुड़ के वहाँ पर अपने प्रश्न रख सकते हैं अभ्यास से संबंधित। तो अपेक्षा है आपको आज इस अभ्यास के विषय में पूर्ण स्पष्टता हो गई होगी, और आप जो हमने पहले आपको नियम कहे वो और अभ्यास को दोनों को साथ ही साथ समझेंगे और इनका अभ्यास करते हुए लाभ उठाएंगे। तो इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें, अभ्यास करते रहें, योग की इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए अपने आप को लाभान्वित करें, अन्य व्यक्तियों तक भी साझा करें। आज के लिए यही मार्गदर्शन था, सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।